अब यार ठीक नहीं है, आप में हल्का भी खेल करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग लग रहा है। और भैया तो आगे पूरा चैन से चला के थक चुका है, थोड़ा आराम कर रहा है। और भैया कितना साल बनाए बोला, इससे लगा के 4 साल ना 5 साल हुआ है ना, 4 साल ना आप ही बनाए रहे ना। हाँ, एक धर्म भी होगा है कि नहीं, तो वहाँ पर तो आदमी सारा गाँव का भी चलता है और भूत देव सब चलता है, क्योंकि धर्म भी होता है ना। तो लगती है गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बढ़िया होंगे होगा गाइस। लेकिन कल तो हम लोग का वीडियो अच्छा हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन अच्छा तो होगा शायद आप लोग का, कोई को तो अच्छा ही लगेगा होगा। लेकिन मैं घर बना के गया ना, वहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया था वहाँ पर जाना बनता है। तो आज का दिन का थोड़ा सा लेट से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। अभी जा रहा हूँ हम लोग जो राज्य का जो ब्रिज मैंने जब वीडियो पर देखा था ना, तो वो टूट पड़ा है, तो मालिक बुलाया है। वो मालिक कम से कम 6-7 साल 5 साल ऐसा कुछ बना रहा है, वही एक ही मालिक। तो मुझे कॉल करके बुलाया, अभी जाना पड़ेगा वहाँ पर, मदद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी पार होता है, सारा दुनिया पार होता है, भगवान देवभूत सब पार होता है ना ब्रिज में। वहाँ में तो लगना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म भी होगा, क्योंकि अपना लड़का बच्चा लोग के लिए, अपना खुद का लिए भी धर्म होगा। और कोई मेरा जान पहचान लोग आने से भी, आप लोग आने से भी मैंने रास्ता का लिए वो रखी, अब ओके हो जाएगा, तो वहाँ से बाइक से आ सकता है, लेकिन गाड़ी पार नहीं होगा, क्योंकि वो काट का लकड़ी का ब्रिज बनाते हैं हम लोग। तो जाते और यहाँ पर किरण जी आया था, लेकिन आज हम लोग का नेपाली भाषा में बोलता है ना मंगलवार, आज को घर बनाने, और आज का दिन क्या ट्यूसडे ना, ट्यूसडे है, मंगलवार को घर बनाने नहीं होता है, इसलिए आज ब्रिज तो बनाने होता है, वो स्टार्ट करेगा। चलो जाते। तो गाइस अभी यहाँ आया था भैया को, फिर ये लॉटो भेजना है और फिर हम लोग जाके ब्रिज पर लगना है, आज का दिन तो वही ब्रिज पर काम होगा। तो यहाँ पर आया था मार्केट पर और यहाँ पर मिला हूँ, क्या था नाम आपका, दुर्लभ रो, दुर्लभ। अच्छा अच्छा, रूपम भाई कैसा, ठीक है, पूरा घूम रहे आज ना, बोका बोका गाड़ी में, बड़ा गाड़ी में। हाँ हाँ, और बर जी कैसे, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा मंजिता, वो मामा क्या है खरीद कर दिया, ठीक है ना, घूमो घूमो घूमो, हाँ ठीक है, तो मिलते हैं फिर ना, हाँ बाय बाय। तो जाते हैं, तो रूपम भाई और दुल्ला ब्रो को भी मिला है, अभी जाना है मुझे ब्रिज बनाने के लिए। मार्केट पर गया था और रूपम भाई लोग को मिला है, और हाथ से यहाँ पर ब्रिज बना रहे हैं, और ब्रिज तो पूरा ख़राब से टूट पड़ा है, और यहाँ पर आग बाल दिया और कुछ चाय हुई बना रहा है, और यहाँ पर जो ऐसा रिंग चाहिए ना, नहीं तो पाथर डालने के लिए बहुत मुसीबत हो जाता है। 4 तो बनाए और यहाँ पर एक बन रहा है, और पूरा 300 से काट रहा है। वाह देखिए मामा, पूरा समीर राय ब्लॉक्स, इसको थोड़ा जितमाना पड़ेगा ना, पाथर डालने के लिए और रिंग बना रहा है। हाँ तो यहाँ पे पूरा खिली मार रहा है यहाँ पे। ये देखिए तो मजबूत रहेगा भाई साहब, से काटना पड़ेगा ना। और देखिए ये भी होगा रे। बाप रे, रुके रुके, बहुत भारी है, सकेगा अकेले, बहुत भारी है, टूट गया, वाह टूटा दिया तो आपने, बाप रे, पूरा मालिक रहने डाल दिया भाई बिना चेंज हो। और उस तरफ भाई आ रहा है हम लोग का मालिक जी, मालिक ना, बनाने वाला मालिक, हाँ उन्होंने दिया ना ये सब लकड़ी वगैरह सब कुछ, बहुत हेल्प किया ना। अभी कितना 5-6 साल हो गया, 5-6-7 साल से मतलब मालिक बना रहे ना। वाह अच्छा अच्छा, ठीक है। मेजरमेंट हो गया ना, तो अभी इसको भी किस साइज में काटना पड़ेगा गाइस, तब अच्छा होगा। तो इसको भी मैं ले लेती हूं दोनों, एक बार चल पूरी चल घर कैसे घर अनगा होने के
फिनिश हो गया गाइस, और पीस करना है। ये मामा पूरा काट यहाँ पे जमा कर रहे हैं, क्लीन कर लिए ना। हाँ, यहाँ खड़ा करेगा तो अच्छा होगा। खत्म होगा गाइस, ग्रीस बनाने से ना बहुत खत्म होता है। हाँ, ये बाहर को छोड़ के आज लग रहा है, और आज तो ऐसे भी आज नहीं होगा घर बनाने। संभाल के संभाल के, आराम आराम से ना। तो गाइस ऐसा करके करना पड़ रहा है, और कितना दिन लगेगा मालूम नहीं, आज से तो स्टार्ट किया ही ये काम। बारिश नहीं देना है ना, और ऐसे धूप देते रहेगा, मौसम ऐसे कसते करते रहेगा तो जल्दी हो जाएगा, और मेरे को भी आने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ना, नहीं होने से इतना तकलीफ होता है। सब लोग को अच्छा हो जाएगा, पूरा गाँव का बस्ती लोग पूरा खुश हो जाएगा, है कि नहीं। चलो रेस कर लेते थोड़ा। अभी इस तरफ में पूरा मजबूत से मारना पड़ेगा, होगा ना ठीक है तू ना। बीमार लिया गाइस, लेकिन टेढ़ा हो गया एक दो ठो, तो इसको बना के उसको बनाना है। फिर पुराना ब्रिज को सब तान तान के फटा रहा है अभी, ये सब साइड कर रहे हैं, नया लगाएगा अभी यहाँ पर ब्रिज नया बनेगा, और इन लोग मच्छी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, अभी पूरा मच्छी मिलेगा। आज का दिन का काम इतना ही है, क्या करेगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पीस बना लिया, तो अभी जाना पड़ेगा अपने अपने घर, और इन लोग भी जा रहे हैं, थोड़े सामान को वहाँ पर ड्रॉप करना है घर पर, जो मालिक का घर पर ना। बना के आ चुके ब्रिज, जो यहाँ का पूरा राज्य ब्रिज होता है ना, वही बना के आ चुका है, और पूरा थक चुका है, बोला बैठे देख सकते हो। हाँ गाइस क्या करे, और आज तो पूरा दिन भर ब्रिज पर लगते लगते नहीं जाने से भी होता है, क्योंकि राज्य का ब्रिज है ना, तो हम लोग का जो मालम बाबू बनाता है, जो भी यहाँ का ट्राइबल है, वो खमचे आदमी है, हर बार वही देते हैं, नहीं बनाता है, मैंने कितना साल हो गया, अभी 6 साल ऐसा कुछ हो रहा है, 5 साल 6 साल हो रहा है, सब काट लोग ला देते हैं, और गांव का आप लोग वीडियो में आप लोग देखने मिलेगा बनाने के, और मम्मी रोहित पूरा बैठे। हेलो गाइस, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से। और मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ, देख सकते हो, अभी खाना भी खाना, अभी खाना बनता है, सोना पड़ेगा, पूरा खत्म हो चुका है। हाँ अभी ये पकने वाला हो गया, इसको पूरा आग को तान के कैसे रख देना पड़ेगा। आज का दिन क्या है, ट्यूसडे था ना। हाँ ट्यूसडे में तो हम लोग घर बनाता नहीं, ट्यूसडे पर नेपाली आदमी बारन करता है ना, बनाने नहीं होता है, बोला तो बोलता है कि मंगलवार का दिन ही बनाते हैं हम लोग, मंगलवार को दिन बना देना गाइस। तो आप अभी खाना पकेगा गाइस, अभी पापा पूरा बड़ा बड़ा आरसीसी बनाने से, तो वो तो मिस्त्री लोग मानते नहीं, पर भी हम लोग को ट्रेडिशनल लोकल घर बनाता है तो गाँव पर, इसलिए मंगलवार का दिन नहीं बनाता है, पर भी शनिवार का दिन में तो जैसे तैसे अभी कर रहा था, नहीं तो आगे का परंपरा से मानी लीवा रीति रिवाज से सब मानना ही पड़ता है, तो शनिवार का दिन भी नहीं बनाता, लेकिन वो भी हम लोग पार करके अभी मंगलवार को थोड़ा छोड़ दिया, मैंने मंगलवार का दिन नहीं बनाता हम लोग, दो ट्यूसडे का दिन ना। तो अभी खाना बनाओ, बढ़िया से खाएंगे, और क्या क्या सब्जी है, क्या बनाना है अंजू, दूध जो है पक रहे हैं अभी, और यहाँ पर पूरा मैंने खाना को यहाँ पर साइड पर लगा दिया, और आज तो पूरा सब्जी सब्जी है, मच्छी भी पापा ने उधर से लाया था, दोलूंग बनाया था ना उस तरफ से, तो इसको पूरा दही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह इतना मक्खी से डिस्टर्ब करता है, इसलिए शाम को दूध को निकाला, अभी मैं इसको पकने देती हूँ गाइस, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पर आंजू पूरा लोकल और ट्रेडिशनल काट रहा है गुंदरुक।
हम लोग तो गुंदरुक बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलता होगा मुझे मालूम नहीं। और ये मच्छी के साथ मिलाने के लिए जरूरी है, बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए। और मच्छी टेंगा नहीं मिलाने से मच्छी जो पूरा चटनी जैसा हो जाता है, ये मिलाने से बहुत ही अच्छा होता है। और हवा अंदर चल रहा है, अभी खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी खाना बनाने के बाद कहाँ भागना पड़ेगा देखना पड़ेगा, बाहर में ना अंदर में ना आकाश में पातल कहाँ जाना पड़ेगा देखना पड़ेगा। हाँ हवा तो दे रहा है अभी भी, जल्दी जल्दी बना के खाना होगा हम लोग को। हाँ मैंने छोटा सा प्याज डाल दिया था क्योंकि तेल गर्म हुआ कि नहीं देखना पड़ेगा। अभी डाल दिया मैंने प्याज और चिल्ली भी डाल दिया, ये देख सकते हो। अभी इसको चलाना पड़ेगा, पूरा झींगा का जैसा दिखाई दे रहा है चिल्ली का, सूखा वाला चिल्ली डाल दिया क्योंकि अभी सूखा वाला चिल्ली हम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ने खेत से सूखा के रखा था वही है, तो खरीद के खाना नहीं पड़ रहा है। ये देख सकते हो अभी प्याज को पूरा पकने के बाद मैं डालूँगी मछली, और उसके बाद मैं गुंदरू को पहले फ्राई करना है, उसके बाद मछली को डालना है। अभी इसको पकने देते हैं गाइस, पक चुके हैं। मैं गुंदरू डालूंगी, थोड़ा सा डालना है बोला तो इतना ही थोड़ा सा डाल दिए, ज़्यादा ये पूरा टेंगा हो गया ज़्यादा, तो थोड़ा डालने से हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसको पहले पकाना चाहिए, तो इसको ही पका रही हूँ मैं अभी। हाँ उसी लिए तो मैं बना रही हूँ। अभी मछली को भी डाल देंगे, पूरा गोटा गोटा आज तो मछली खाने मिलेगा। हर बार तो छोटा छोटा पीस करता था लेकिन आज तो पूरा गोटा गोटा है, ये देख सकते हो भाई। इसका आंध्र उड़ी मत फेंको बोला है पापा, पूरा विटामिन होगा बोला है, इसलिए इसका बाहर का इसका वो कतला जो सिर्फ फेंका है, हम लोग कतला बोलते हैं तो मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं हिंदी से। ये बुदुना मछली को ऐसा बोलते हैं हम लोग, ये जो पानी का लिया वो होता है ना हम लोग खाते हैं वो खाते हैं। बहुत विटामिन होगा बोल के पापा ने इसका जो अंदर का पेट भी फेंकने नहीं दिया है, इसीलिए ऐसे ही बना रही हूँ गाइस मैं अभी। कैसा होता है टेस्टिंग करना पड़ेगा, मैं तो खाई नहीं हूँ, मैं तो नहीं खाएगा बोल रहे, नहीं खाऊंगी बोल रही थी। पापा जो बोले अच्छा होता है विटामिन होगा बोला, ये देख सकती हूँ पूरा गोटा गोटा है। अभी इसको ढक्कन लगा दूंगी मैं अभी, सब्जी पक रहा है और सब्जी पकने के बाद मैं ये पोर्क का मीट को पकाऊंगी, इसका पूरा गुंदरू का साथ पका के खाओ खाएगा बोला है पापा जो, इसीलिए कैसा होगा टेस्टिंग करते हैं गाइस। और यहाँ पर पूरा आलू है, ये भी यहीं पर मिक्स करना पड़ेगा। क्या क्या मिक्स करके खाते हैं गाइस हम लोग, आप लोग देखते रहना कैसा होता है, पहली बार टेस्ट करते हैं। और आप लोग बने रहे वीडियो पर, देख सकते हैं अभी सब्जी पकने के बाद मैं इसको ही पकाऊंगी। फाइनली हो चुका है हम लोग का रात का डिनर, अभी कंप्लीट होने वाला हो गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हो चुका है हम लोग का। अभी पूरा बना दिया अंजू, पूरा माछा मच्छी ड्राई फ्राई लोकल मच्छी और पोर का मीट और ट्रेडिशनल गुंदरू और लोकल आलू पोटेटो गाइस, ये देखिए अंजू पूरा पक लगा रहा है ना, बड़े ऐसे करो हैं। और मेरा टर्न ट्रेंड रोहित का पोर का मीट ना, बड़े इसका। और ये तो रोहित का मैंने पोर का मीट नहीं, रोहित का भाकरी भाई जान फिनिश कर देगा। हाँ और एक बात बोलना है, ये जो पोटेटो का जैसा दिखता है लेकिन ये नहीं है, पोर का मीट है, फिनिश कर देगी। कोई पोटेटो भी है कोई पोर का मीट भी। और वहाँ पर माछी लोकल माछी, आज तो पूरा लोकल माछी और ये पोर का मीट का साथ में खाएगा ना अंजू रोहित। और मम्मी जी यहाँ का क्या काम कर रहा है देखो, दूध मेरा कैमेरा फर्क कैमेरा मधुर है वो, और ये घी का लिए ना मम्मी तौर सिर्फ गैस तौर, वो ना मकान बनाया मैंने, ये से घी निकाल दिया हम लोग, इसको दही बनाते हैं दूध, इसलिए उसका ऊपर का छाली दूध का छाली जमा करके रखा है। अभी स्टार्ट हो चुका है हम लोग का रात का डिनर, पाक के भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और कौन कौन कितना कितना बड़ा माछी है, वाह इतना बड़ा माछी, ये माछी है क्या है दिखाओ तो मम्मी जी, अच्छा है इधर देखो, ओरे बाबा क्या हो गया आज तुम मुस्कुराहट नहीं जे, देखो रे आप लोग का भाभी खा रहा है, क्या हो गया मिठू सा, खाओ ना माछ से खाओ गड़म मिठो को ना स्वादिष्ट। और यहाँ पर मछली छपक छपक नदी को छपक छपक लोकल माछी फिर पूरे एक टू फिनिश कर दिया, छपक छपक बोलता है इसका नदी पर ऐसा ऐसा चलते हैं, ऐसे चलते हैं। और तुम खाओ, और अंजू तो पूरा कुक में नौके देखो ना, इतना बड़ा बड़ा माछी ले, इसलिए उसका मम्मी गुस्सा मिला होगा शायद ना। अंजू हमको दो तू एक टू दो हम साथ का। हाँ
बदली करेगा ना, इतना बड़ा बड़ा लिया देखो तो अंजू, वाह इतना बड़ा बड़ा माछी देखो, वाह रोहित तू इतना छोटा लिया, और यहाँ पर मम्मी जी लिया पूरा गोटा गोटा खा रहा है। आइए कैसा लग रहा है, टेस्टी एकदम यामी चो। यामी रोहित को कैसे लग रहा है? यामी 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 पोर का मीट आज पोर का मीट है चोस गाइस चोस गाइस एकदम टेस्टी। और अंजू कैसे लग रहा है? एकदम दमी दमी यामी दमी यामी नहीं दमी। रोहित को तो यामी ना, और रोहित को मम्मी यामी मेरे पास यामी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और मेरा स्टार्ट करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर है खा के सोना पड़ेगा, ये माछी का सब्जी मेरा, और यहाँ है पोर का मीट, और यहाँ गुंदरू का चटनी, ट्रेडिशनल गुंदरू का चटनी गाइस। चलो और पानी यहाँ पर लेना पड़ेगा और बढ़िया से खाना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा गाइस पानी। और देखिए और अंजू यहाँ पर खा रहा है, बढ़िया से खाओ ना सभी ना, पूरा बढ़िया से ना मम्मी खाओ रे। ये मेरा बहुत मेरा कमजोर है, लाइट भी कमजोर और बैटरी भी बहुत कम हो रहा है, तो स्टार्ट कर लेते गाइस खाना खाने के लिए रात का डिनर। रोहित का मम्मी भी खा के ख़त्म हो चुका है ना, और सब जाए सब्जी जाए तो लो हैं पूरा ओके और मैं एक दिन पर इतना खाता हूँ 5 बार खा देता हूँ। और एक दुकान चलो मैं स्टार्ट कर लेते हैं, तुम लोग खा लिए तो ना ओके हो गया हो गया। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं, कहाँ जाना है, बैटरी भी कम मेरा अभी देखिए लग गया। और ये चिल्ली खाइए आप, हाँ खाएगा तो जीरे की चटनी लोकल छोटा चिल्ली है रे भाई साहब, ये बहुत डेंजर झाल खाता है। मैं तो झाल नहीं खाता हूँ, झाल तीखी नजरिया बहुत तीखी खाता हूँ ना, इतना माछी माछी भाई साहब। हाँ मम्मी जी खाओ एक पीस का, ये देखो उसको बेटा के खिला रहा है रोहित को, काइट नहीं खाता है रे वो, देखो संभल के ये देखो माँ बेटा पूरा खिला खिला कर खा रहा है। चलो मैं भी स्टार्ट कर लेती गाइस, पानी पहले खा लेते हैं, पानी खाता नहीं पीता है और बकरी पीला अभी पीला पी रहा हूँ। हवा उंडर रही है गाइस, लोकल माछी गाइस जॉस, और हवा उंडर ही आ रहा है, पूरा बकरी चिल्ला रहा है, ठंडा लग गया होगा। माछी खाने से भी ना कम उसको काट को नहीं करना पड़ेगा, दो दांतों से उसको अटैक करना है, नहीं तो फंस जाएगी गाइस। वाह इतना टेस्टी गाइस। सो गाइस क्या करें, और रात का डिनर भी कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, और आज का दिन तो मैं घर बनाए नहीं बनाया हूँ, क्योंकि अभी जो राज्य ब्रिज बन रहा है ना हम लोग का, रोज़ मैं दिखाता हूँ आप सभी को ना मेरा ब्रिज, हम लोग का गांव का ब्रिज टूट पर आए बोल के मैं दिखाता हूँ गाइस। तो आज का दिन से ब्रिज बनने शुरू हुआ है, देखते हैं अपना घर पर भी लगना पड़ेगा और ब्रिज पर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज पर तो सारा स्टूडेंट लोग भी चलता है, छोटा छोटा बच्चा लोग पूरा बुजुर्गों लोग भी चलता है, सभी गांव चलता है ना, हाइडल करना पड़ता है, नदी पार होना पड़ता है, इसलिए तो जाना बनता है गाइस। क्या करें, वही है मेरा जो मेरा फ्यूचर का बारे में मैं बता रहा हूँ, तो
क्योंकि ब्रिज बनाने से धर्म भी होता है बोला है और भगवान भी वहाँ से पार होता है, सब देवभूत भी पार होता है, इंसान भी पार होता है ना। तो गाइस वीडियो भी ज़्यादा लंबा रहे यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं दूसरी ब्लॉग के साथ।